हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मिलेनियम परिवार के सदस्य आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आपको पहले लेसन का पहले पार्ट का वीडियो भेजा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था याद है आपको? हाँ, सभी बच्चों को याद है? जिन जिन बच्चों ने मेरा देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा आशा करती हूँ। तो आपको याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था? जानिए मुझे, सब बच्चों ने देखा था और जानिए मुझे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी थी अपने बारे में सारी। आज हम एक नया अध्याय शब्दकोश के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी वर्णों को एक साथ लिखने से वर्णमाला बनती है? ये तो आप जानते ही होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब सभी स्वर जैसे अ आ ई ई आदि तथा व्यंजन जैसे क ख ग घ एक साथ लिखे जाते हैं तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के साथ साथ आप मात्राएं भी जानते होंगे, आपने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। आप यह भी जानते हैं कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली रहती है। आप किसी भी व्यंजन को अगर बोलेंगे, जैसे का बोला, ख ग कुछ भी बोला, तो आपको आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। परंतु अन्य स्वर जो होते हैं जैसे अ के अलावा ई ई उ, ये सारे स्वर जो होते हैं, इनको कैसे उच्चारण किया जाता है? इनको व्यंजन के साथ मिलाने पर ये एक मात्रा बन जाते हैं, मात्रा के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे का व्यंजन के साथ अगर हम और स्वरों को प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे ई, तो क्या क्या बन गया? की। ई तो बन गया की, उ तो बन गया कु। इसी तरीके से सभी मात्राएं प्रयोग की जाती हैं। अब हम शब्दकोश के बारे में शब्दकोश का अर्थ समझते हैं। शब्दकोश, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश यानी कि जिसमें शब्दों का भंडार होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। यानी कि अगर हमें हिंदी में कोई भी शब्द कठिन लग रहा है, हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम शब्दकोश का सहायता लेकर उस शब्द का अर्थ ज्ञात करते हैं, पता लगाते हैं। शब्दों का अर्थ जानने के लिए एक विशेष पुस्तक का प्रयोग किया जाता है जिसे शब्दकोश कहते हैं। इसमें सभी शब्दों का अर्थ लिखा होता है, लेकिन उसमें से शब्द ढूंढने का एक की भी एक विधि होती है, यानी कि एक तरीका होता है जिस तरीके से ढूंढते हैं। शब्दकोश से शब्द और उसके अर्थ ढूंढना सीखें। वर्णमाला के सभी शब्द अपने वर्णों के क्रमानुसार शब्दकोश में आते हैं। समझ में आया आपको? शब्दकोश में शब्द कैसे लिखे होते हैं? वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी आ से शुरू होने वाले पहले, फिर आ से उसके बाद, इस तरीके से ज्ञा तक चलते हैं। चलिए अब इसे क्रियाकलाप से सीखते हैं। क्या क्या करना है आपको? आपको ये जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है, यानी लिखना है इसमें। तो क्या करना है आपको? देखिए, दवाई, कसरत, औजार, पतक, अमीर, ये सब सारे शब्द लिखे हैं। इसमें से देखिए, आपको कोई आ का शब्द दिख रहा है जो आ वर्ण से शुरू हुआ हो? देखिए, हाँ, अमीर, यानी कि सबसे पहले अमीर आ जाएगा और उसके बाद वर्णमाला में जो भी आता है वो इसके बाद आ जाएगा। इसको आप अच्छे से क्रम में लगाइए। इस क्रियाकलाप के द्वारा आपने क्या जाना कि यदि हमें शब्दकोश में से कोई शब्द ढूंढना है तो उसको वर्णमाला के क्रम अनुसार देखा जा सकता है। और अब दूसरी चीज देखिए, जैसे गमला, गिलहरी, गीता जैसे शब्द जो एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, उनको कैसे देखा जा सकता है? जैसे अब जैसे मान लो गा से शुरू हो रहे हैं सारे शब्द, गमला, गिलहरी, गीता, तो हम ये सोचेंगे गा में कहाँ पे मिलेगा? इसको ढूंढने के लिए भी एक तरीका होता है, ऐसे शब्दों में मात्रा को ध्यान में रखते हुए उनके क्रमानुसार देखा जा सकता है। जैसे पहले, सबसे पहले आ की मात्रा वाला आएगा, उसके बाद छोटी ई, आ के बाद क्या आता है? ई आता है, तो ई की मात्रा, उसके बाद ई की मात्रा, इस तरीके से ये शब्द भी देखे जा सकते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया? चलिए, आज इसका आप अभ्यास करिए, हम अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।